अब इसमें एक और चीज है, यहाँ पे आप देख ले पाकिस्तान चाइना को और क्या फायदा, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है इसकी अगर हम ओनरशिप हम देखते हैं तो यहाँ पे ओनरशिप है, ओनरशिप में कौन कौन है, तो ये आप चार पांच जो हैं वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि चाइना फाइनेंशियल फ्यूचर एक्सचेंज 17% है इनका, शंघाई स्टॉक एक्सचेंज, असेंजन स्टॉक एक्सचेंज, पाक चाइना इन्वेस्टर कंपनी, ये पूरे मिला के जो जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है वो चाइना के ओनरशिप में दे दी गई है, तो ये भी एक फायदा है। फिर ये डॉन न्यूज है जो कि पाकिस्तान की एक बहुत मतलब मेजर मीडिया हाउस है, बहुत पुरानी भी है, उनके तरफ से ये देखें कि ये आर्टिकल में लिखा गया है यहाँ पे, द न्यूज दैट देयर इज अ प्रपोजल टू मॉर्गेज पाकिस्तान F9 पार्क टू गेट अ लोन लेट टू एंगर अक्रॉस द कंट्री, ऑल्दो द न्यूज हैज नॉट बीन कंफर्म्ड ऑफिशियली, द प्राइम मिनिस्टर रिपोर्टेडली अपोज्ड सच अ प्रपोजल, नोबडी शुड बी सरप्राइज्ड इफ इट प्रूव्स ट्रू, ये डॉन में बताया गया। और इसका मकसद क्या है, तो आप देख सकते हैं कि द वे बिगेन विथ हाईवे, यानी जो मॉर्गेज किया गया है पाकिस्तान में जो भी एसेट थे उनको, उसमें हाईवे को मॉर्गेज किया है, मोटरवे जो एक्सप्रेसवे को पाकिस्तान में कहा जाता है, एयरपोर्ट है, पीटीवी है, पीटीवी पाकिस्तान जो टीवी नेशनल टीवी जो है मतलब वहाँ की सरकारी जो टीवी चैनल है उनका, रेडियो पाकिस्तान ये भी सरकारी है, और इन सबको ये कर दिया गया। तो आप देख सकते हैं कि इसमें पाकिस्तान को क्या मिल रहा है, ये सारे चाइनीज को ही मॉर्गेज किए गए हैं, चाइनीज को ही गिरवी रखे गए हैं उनको, और वहां से उनको पैसे मिल रहे हैं। और देखिए और चाइना क्या कर रहा है, तो वहां पे दासो डैम एक प्रोजेक्ट है जिस जो वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है, वो सीपेक का प्रोजेक्ट नहीं है, और उसमें कोई खास चाइना की जो स्टेट गवर्नमेंट या पाकिस्तान के बीच में ये डील नहीं हुई थी दासो डैम को लेके, ये वर्ल्ड बैंक का इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है जो वर्ल्ड बैंक इसको मतलब फंड कर रहा है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट बनवा रही है, लेकिन इसमें जो इन्वॉल्व कंपनी थी, कॉन्ट्रैक्ट जिसने लिया था वो चाइनीज कंपनी है। अब यहाँ पे ये लिखा है, पाकिस्तान टू पे 11.6 मिलियन कंपनसेशन टू 36 चाइनीज विक्टिम्स ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट टेरर अटैक। तो एक बस थी जिसमें चाइनीज जो इंजीनियर्स थे या वर्कर्स थे वो जा रहे थे और बस पे हमला हो गया और उसमें 10 जो चाइनीज इंजीनियर्स थे उनकी मौत हो गई और जो बाकी थे वो मतलब घायल हो गए, तो इसमें 36 लोगों को बताया गया विक्टिम, और चाइना की तरफ से डिमांड हो रही थी कि उसका कंपनसेशन पाकिस्तान करे। लेकिन बात ये है कि जो पाकिस्तान है उसको ये वो लीगली जो है ओब्लाइज नहीं है कि वो कंपनसेट करे, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि ये कोई डील नहीं थी पाकिस्तान गवर्नमेंट और चाइनीज गवर्नमेंट की, और कोई प्रोटेक्शन देने की बात नहीं थी, जैसे कि 9000 जो सैनिक है वो सीपैक में प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट चाइनीज कंपनी ने खुद लिया था। और इस सेंस में जो बात होती है तो चाइनीज जो कंपनी है वो कंपनसेट करती है या जो चाइनीज की गवर्नमेंट है वो कंपनसेट करती है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान से ही लिया जा रहा है, तो ये बात यहाँ पे। और वो भी जो आप देख सकते हैं कि जो अमाउंट है वो भी डबल है जो चाइना देता है अपने अपने जो लोगों को, अगर इस तरह के केस चाइना में होते हैं तो उससे ज़्यादा डबल तौर पे चाइना उनसे मांग रहा है। और यहाँ पे ये भी आप देख ले कि जो है वहाँ पे काम भी बंद कर दिया था उन्होंने दासो डैम के ऊपर, और वो तो $37 मिलियन मांग रहे थे, 3.7 करोड़ डॉलर मांग रहे थे, जब बाद में फिर उनके बीच में नेगोशिएट किया उन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट और चाइनीज गवर्नमेंट ने, और 11.6 यानी 11.6 इसको अगर उसमें डालें तो 1 करोड़ बनता है, और $1 करोड़ और पाकिस्तान रुपीज में डालें तो 2 अरब रुपए पाकिस्तान रुपए वो बनते हैं, और तो वो पाकिस्तान को कंपनसेशन के तौर पे चाइना को देने होंगे। तो ये कैसी दोस्ती, कैसा गहरा प्यार है कि पाकिस्तान को किसी तरह से लीवे नहीं दी गई है। अब यहाँ पे इमरान खान जो है ये जब कैंपेन कर रहे थे अपने पीएमशिप के लिए, जो इलेक्शन का कैंपेन चल रहा था, तो उनमें ये उन्होंने उसमें ये कहा था कि वो रीनेगोशिएट करेंगे जो जितने भी
चाइना के साथ डील हुए हैं सेपेक में, क्योंकि इनसे पहले जो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी उन्होंने ये सारे डील साइन किए थे चाइना के साथ, इसीलिए। और जैसे मैंने बताया वो सीक्रेट डील थी, तो इसीलिए इमरान खान कहते थे कि इन्होंने रीनेगोशिएट करना है टर्म्स को, जो इंटरेस्ट रेट है या जो जहाँ पे नहीं बनना चाहिए और इस तरह की चीज़ें, तो चाइना ने सख्ती से उसको मना कर दिया और डायरेक्टली पाकिस्तान की जो आर्मी है उनसे बात की कि वो मतलब इमरान खान को समझाए, क्योंकि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो ही बेसिकली अभी पूरे पाकिस्तान को रन करती है, उनका इन्फ्लुएंस और उनकी पावर जो है वो पाकिस्तान की सिविल जो अथॉरिटी है उनसे ज़्यादा है, तो इसीलिए ये भी एक बात है। अब पाकिस्तान की जैसे मैंने बताया कि पाकिस्तान मिलिट्री के पास चली गई थी, तो ये हैं जो ये हैं, इनका नाम है आसिम सलीम बाजवा, ये लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड है, ये जो सिपेक अथॉरिटी थी उनके ये चेयरमैन बनाए गए थे और साथ में इमरान खान के असिस्टेंट एडवाइज़र के तौर पे भी इनको बनाया गया था। अब इनके साथ क्या हुआ, तो ये पाकिस्तान की जो एक अहमद नूरानी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने ये बात खुल के सामने लाई, इन्होंने एक मतलब इन्वेस्टिगेट किया, तहकीकात की, तो इन्होंने ये खुलासा किया कि जो जर्नल है आसिम सलीम बाजवा, इनकी जैसे जैसे पाकिस्तान आर्मी में रैंक बढ़ती गई वैसे वैसे इनका जो बिजनेस है वो बिजनेस एम्पायर भी बढ़ता गया। अब इनका बिजनेस एम्पायर क्या है, तो जो US में एक पिज्ज़ा चेन है जिसको पापा जॉन्स कहते हैं, US पिज्ज़ा चेन पापा जॉन्स, इनकी सबसे बड़ी जो फ्रेंचाइजी है ये बाजवा फैमिली के पास है, सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट फ्रेंचाइज वो बाजवा आसिम सलीम बाजवा के पास है। इसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा हुई लेकिन फिर तो न्यूज़ को दबा दिया गया। तो ये सब बातें आप देख लें कि करप्शन भी है, ये चेयरमैन थे उस समय, और फिर अभी सिपेक का लगभग सारा काम रुका हुआ है क्योंकि चाइना के साथ उनकी प्रॉब्लम अनबन अभी है, तो चाइना अभी पैसा दे नहीं रहा है, इसीलिए पाकिस्तान को फिर IMF के पास जाना पड़ रहा है और IMF या सऊदी अरेबिया इनसे पैसे मांगने पड़ रहे हैं। तो IMF ने भी बहुत सारी शर्तें लगा दी है, जिसमें एक शर्त ये भी है कि जो पाकिस्तान की रिजर्व बैंक जिसको हम भारत में कहते हैं वहाँ पे उसको स्टेट बैंक कहते हैं, तो वहाँ की जो स्टेट बैंक है उसको IMF अपने कंट्रोल में लेगा। IMF ने ऑफिशियली तो कहा है कि ये ऑटोनोमस होनी चाहिए, लेकिन असल में इसको मतलब कंट्रोल में लेने की बात है, क्योंकि जो IMF के अभी के गवर्नर है, जो भी जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा अपॉइंटेड है वो है मतलब वो भी एक्स एम्प्लॉई हैं IMF के और US सिटीजन है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि क्या मतलब खिचड़ी पकड़ रही है। अब लोगों का वहाँ पे पाकिस्तान में विरोध हो रहा है कि ये बाहर के लोग को आपने स्टेट बैंक में बैठा दिया या स्टेट बैंक को IMF के पास गिरवी कर दिया, और ये सब बातें वहाँ पे बहुत चल रही है, लेकिन ये पहली बात नहीं है। और हाँ, जैसे वो भाई साहब कह रहे हैं कि वीडियो में कि साजिशें हो रही है सिपा के खिलाफ, और उसी का ये एक दूसरा तरीका है जिसमें ये कहते हैं कि अमेरिका अपने आदमियों को बैठा रहा है, तो इसीलिए ये। लेकिन पाकिस्तान ये हमेशा से करता आया है। मोइनुद्दीन अहमद कुरैशी जो हैं वो सिविल सर्वेंट थे, यानी ब्यूरोक्रेट थे, और IMF में भी थे और वर्ल्ड बैंक के ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी बने थे। तो ये यहाँ पे आप देख सकते सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे। इनको बुलाया गया था पाकिस्तान में 1993 में, जब वहाँ की जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने नवाज शरीफ की तब की गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया था, और इनको केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के तौर पे 4 महीने के लिए इनको वहाँ पे बुलाया गया था। तो आपने तो स्टेट बैंक की बात की कि स्टेट बैंक को गिरवी रख दिया, और ये आपका जो पूरा मुल्क है वो 4 महीनों के लिए एक वर्ल्ड बैंक का एक्स एम्प्लॉई, एक IMF का एक्स एम्प्लॉई ही चला रहा था, उसको अपॉइंट कर दिया गया था केयर टेकर PM के रूप में। तो ये तो सब पहले से होता आ रहा है। साथ में ये भी बात है कि IMF के पास पाकिस्तान 20 साल गया है, मतलब 20 बार गया है, सॉरी 20 साल नहीं, 20 बार से ऊपर गया है, ये वहाँ के ही लोग कहते हैं, और अभी भी जा रहा है। तो ये अपॉइंटमेंट और इन सब की बात, तो ये इमरान खान देख लें, सपोर्ट डुअल नेशनल होल्डिंग पब्लिक ऑफिसेज इन पाकिस्तान, एक तो एक मोईद यूनुस करके हैं जो NSA हैं पाकिस्तान के, यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, बहुत बड़ी पोस्ट है, बहुत इम्पॉर्टेंट पोस्ट है, उस पर भी जो वो मोईद यूनुस हैं
वो अमेरिकन सिटीजन है, अमेरिका में ही रहते थे, अमेरिका में काम करते थे, उनको वहाँ से यहाँ ला के बैठाया गया। तो बस ये स्टेट बैंक की बात नहीं है, आपके तो पूरे कैबिनेट में भी लोग हैं जो मतलब पाकिस्तान के कैबिनेट में जो ये है मतलब ड्यूअल सिटीजनशिप रखते हैं या फिर दूसरे जगह के सिटीजन है, पाकिस्तान के है नहीं। तो ये बार बार तो ये तो आपके खुद के लोग क्या कर रहे हैं, चाइना आपसे निचोड़े जा रहा है और बात करते हैं कि हमारे खिलाफ साजिशें हो रही, हमारे खिलाफ साजिशें हो रही। अब यहाँ पे अब यूएस का देखें, चाइना का मैंने बता दिया कि आपको तो 90 करोड़ का लोन, 90 बिलियन डॉलर का यानी 90 अरब का आपको लोन चुकाना है चाइना को। अब ये अमेरिका, ये 2001 से लेके 2022 का लगभग 21 साल हुए हैं यहाँ अभी, तो 22 का तो फिगर है नहीं क्योंकि अभी ये चल रहा है साल और स्टार्टिंग हुआ है। 2001 में आप देख ले 177 मिलियन डॉलर आपको पाकिस्तान को यूएस की तरफ से एड मिले थे। इसी तरह ये बढ़ते बढ़ते बढ़ता बढ़ते 1 अरब के ऊपर पहुंचा, फिर ये जाते जाते तो 2 अरब 2.6 अरब डॉलर ये आपको यूएस से मिले थे। ये उसी तरह आगे पीछे होता होता अब कम हो गया है क्योंकि पाकिस्तान ने एक तरह से डिक्लेयर कर दिया कि वो चाइना के साथ है, तो इसीलिए कम कर दिया है और आपको IMF के पास जाना पड़ रहा है। तो ये बस 2001 से 2022 की बात नहीं है, इससे पहले भी पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से इस तरह के एड मिलते थे। एड मतलब होता है क्या कि आपको इसमें ना इंटरेस्ट देने की जरूरत है, ना आपको इसमें कोई ये देने की जरूरत है, मतलब पे बैक करने की जरूरत है। तो ये सारा कुछ आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपको यहाँ अमेरिका से आपको लोन मिल रहा है, वो आपके खिलाफ साजिशें कर रहा है और वो आपको एड भी दिया है उन्होंने। ये अब चाइना पाकिस्तान ने आज से ये बात नहीं बोली, ये बहुत पहले से बात बोली है कि अमेरिका हमारे खिलाफ साजिशें कर रहा है, जबकि आपने खुद उनके पास जा के उनसे पूछा, उनसे बोला, उनसे रिक्वेस्ट किए कि आपको लोन मिले, आप चाइना से बिल्कुल फिर पैसे ले, लेकिन चाइना भी आपको आप देने को तैयार नहीं। तो फिर आप साजिशें जो बात है वो किस बात के लिए कर रहे हैं? अभी आपका गहरा दोस्त जो है वो इंडिया चाइना ट्रेड सरपासेस रिकॉर्ड 125 बिलियन डॉलर इन 2021 डिस्पाइट बायलैटरल टेंशन। हमारे चाइना के साथ जो भारत का वो है काफ़ी ज़्यादा एक क्रिटिकल सिचुएशन है, गलवान वैली के बाद से जो चल रहा है टेंशन, हॉस्टिलिटी जो चल रही है वो अभी भी है, बरकरार है। उसी तरह उसमें स्टेटस को वहीं कहेंगे, उसको कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आया है, गोलियां नहीं चली हैं लेकिन और भी बहुत कुछ हो चुका है। फिर भी हमारा जो ट्रेड है वो 125 बिलियन डॉलर 125 अरब डॉलर जो है उसके ऊपर पहुंच गया। आप की जो दोस्ती है चाइना के साथ, तो आप पाकिस्तान से चाइना को क्या एक्सपोर्ट करते हैं ये आप ज़रूर बताएं, और कितना आपका ट्रेड डेफिसिट है, या फिर पाकिस्तान में चाइना के कितने प्रोडक्ट, कितना जो मार्केट वैल्यू है प्रोडक्ट्स का वो कितना आता है वो भी आप बताएं। तो ये आप थोड़ा आप खुद भी इसको एक तरह से ये करें, सर्च करें। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो सबसे बड़ी मार्केट है पाकिस्तान के एक्सपोर्ट की वो अभी भी अमेरिका है, कनाडा है, EU है यानी यूरोपियन यूनियन है, ये सब आपके अभी भी मार्केट है, चाइना आपका मार्केट नहीं है एक्सपोर्ट के लिए। तो साजिशें वही कर रहा है जो आपके खरीद भी रहा है सामान, जो आपका बिजनेस भी चला रहा है, आपके एक्सपोर्ट भी ले रहा है, तो वो आपको एड भी देता है। ये फिर अमेरिका की बात नहीं है, आपको ब्रिटेन से भी एड मिलते हैं, आपको कनाडा से भी एड मिलते हैं, तो इस तरह से आपको एड मिलते हैं। और ये चाइना से आपको ये नहीं मिलता तो आप पता नहीं मोदी जाके बाइडेन के सामने हाथ जोड़ के बोल रहा था कि ये सीपैक बंद करो, तो ये तो अजीब सी बात है। ये मेरे ओपिनियंस है, मुझे मतलब मैं आपको ये नहीं समझा रहा कि आप मेरी बात माने ना माने, मुझे इसमें बस अपनी ओपिनियन आपके सामने विचार रखने थे, और आपको मेरे विचार कैसे लगे वो मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब अगली बार एक नए वीडियो के साथ, एक नए विचार के साथ मैं फिर आऊँगा आपके पास। अभी के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं। और वीडियो देखने के लिए, वीडियो पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।